दरवाजा बंद कर दूंगा। जी शेख मोहतरम, आप दर्स का आगाज कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर वबरकातुहू। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من نفسه ونفسه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. آج هم إن شاء الله یہ سیکھیں گے کہ مرزا قادیانی جس نے नबूवत का झूठा दावा किया था उसका अखलाक कैसा है, और उसने शीनगोइयाँ भी कई की हैं लेकिन वो भी सच्ची साबित नहीं हुई। चंद एक उनमें से आप अहबाब के सामने बातें रखी जाएंगी, बाकी तफसील जो है वो इस मौजू पर लिखी कुतुब के अंदर आप देख सकते हैं। बाज़ अहले इल्म ने मिर्ज़ा कादियानी की बदज़ुबानी को हरूफ तहज्जी के अतबार से भी लिखा है, वो भी आपको मिल जाएंगी। तो हम इब्तदा करते हैं। मिर्ज़ा कादियानी ने अपने मुखालिफ अहले इलम को खूब गालियां भी दी हैं, बुरा भला भी कहा है उनको, और इसमें कोई ख़ास एक मसलक के अहले इल्म नहीं बल्कि अहले हदीस उलमा को भी, इसी तरह देवबंदी हजरात को भी, बल्कि शिया को भी। जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको कि मिर्ज़ा कादियानी ने तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से भी बकवास की है, तो जो नबी को बुरा कह सकता है उम्मतियों को बुरा कहना उसके यहाँ तो फिर कोई हैसियत नहीं रखता। तो बहरहाल उसका अखलाक अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो बड़ा बदतमीज आदमी था, ये तो नबी बनने के क्या बल्कि एक अच्छा इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं है। कादियानियों से जब बात होती है तो जब कोई तेज तुंद बात हमारी तरफ से निकल आए तो फौरन जो है वो अखलाक का दरस देना शुरू हो जाते हैं। तो हम फिर उनको कहते हैं कि देखो, हमने तो कोई माँ बहन की गाली भी नहीं निकाली, हमने तो थोड़ी सी सिर्फ जुबान जो है वो तेज़ की है, और तुम हमें अखलाक का दरस देना शुरू हो गए हो। तो जिसको तुम नबी मानते हो कभी उसकी ज़ुबान भी चेक की है? कभी देखा है कि वो क्या बातें करता है और तुमने उसको नबी बनाया हुआ है? दोबारा पीर मेहर अली शाह बहुत बड़े आलमे दीन हुए हैं, उन्होंने मिर्ज़ा कादियानी के ख़िलाफ़ किताब भी लिखी, मिर्ज़ा कादियानी को चैलेंज भी किया, लेकिन मिर्ज़ा उनके सामने ना आया। तो फिर उसने पीर साहब के ख़िलाफ़ एक किताब लिखी तोहफ़ा गोलड़विया के नाम से, क्योंकि वो गोलड़ा के पीर थे, तो तोहफ़ा गोलड़विया के नाम से उसने किताब लिखी। तो उसके अंदर पीर साहब को कज़्ज़ाब भी कहता है और बिच्छू की तरह नैश जन, और बल्कि गोलड़ा की ज़मीन को कहता है, ए गोलड़ा की ज़मीन तुझ पर लानत क्योंकि तू मलून है। ये जो आपको पीडीएफ मिली है उससे आप जो है वो निकालें, वहाँ से वो पिछली दफ़ा भाई ने कहा था कि उसी पीडीएफ से ही हमें पढ़ाया जाए तो वो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये नंबर है जी 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर। 7 नंबर जो सफ़ा है ना उसके आखिर में ये मौजू हमारा शुरू होता है। इजाज़ अहमदी के अंदर उसने पीर साहब को ये बातें जो हैं कि तोहफ़ा गोलड़विया के अंदर भी उसने की। नजमुल हुदा उसकी किताब है,
जो कि रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 14 के अंदर और उसका सफ़र नंबर 53 है। यहाँ पर उसने तमाम मुसलमानों को, बल्कि गैर मुसलमान जो भी उसका दुश्मन था, सबको उसने जो है गाली दी है। उसका एक शेर है, इन्नलदा सारू खनाजीर अलफला व निसाउहुम मिन दूनिहिम अलअक्लबू। खुद ही उसका तर्जमा करता है कि हमारे दुश्मन बियाबानों के खंजीर और उनकी औरतें कुतियों से बढ़कर। तो ये सूरत हाल है जी उसकी, जो अपने आप को नबी कहलाता है कि वो अपने दुश्मनों को खंजीर कह रहा है, खंजीर कह रहा है, और उनकी औरतों को कुतियों से बढ़कर जो है वो करार दे रहा है। अनवारुल इस्लाम रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 31 पर उसने ये कहा, जो हमारी फतह का कायल नहीं उसे वलदुल हराम बढ़ने का शौक है, वो हलाल ज़्यादा नहीं। ये अजीब मतलब है कि उसने ये बात की है कि जो मिर्ज़ा कादियानी की फतह को नहीं मानता वो हलाल ज़्यादा नहीं। मौलाना अब्दुल हक गजनवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अहल हदीस आलम दीन थे और बुज़ुर्ग थे। इनके साथ ही मिर्ज़ा कादियानी का पहला मुबाला हुआ, बल्कि एक ही उसने सारी ज़िंदगी में मुबाला किया है और इनके साथ वो मुबाला हुआ था। और मिर्ज़ा कादियानी को उसके बाद ज़िल्लत भी हुई और वो मर भी गया। और गज़नवी साहब जो हैं मिर्ज़ा कादियानी के मरने के कई साल बाद जाकर उनको रईसुद्दज्जालीन और इसी तरह जो कहते हैं कि इसके तमाम ग्रोह पर खुदाई लानत के 10 लाख जूते बरसें, ऐ पलीद दज्जाल। ये जामे आत्म के अंदर उसने ये बात की है, रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 11 सफ़ा 330 है। ऐ मुर्दार खोर मौलवियो, गंदी रूहो, अंधेरे के कीड़ो, ये उलमा को मुखातब कर रहा है। ये भी अंजामे आत्म के अंदर है ये, और इस तरह की कई बातें जो हैं आपको मिलता है। तो मिर्ज़ा कादियानी का ही तबसरा जो है वो इस तरह की बातों पर आप फिट कर सकते हैं, नाहक गालियां देना सुफलों और कमीनों का काम है। जो घटिया किस्म के लोग हैं वो नाहक गालियां दिया करते हैं। अब ये उलमा, अब जाहिर है कि पीर साहब या अब्दुल हक गजनवी साहब और इस तरह सनाउल्ला मरसरी रहमहुल्लाह और दीगर कई उलमा ऐसे हैं कि जिन्होंने मिर्ज़ा कादियानी को कभी भी जो है वो इस तरह की गाली नहीं दी, लेकिन ये उनको भी गाली दे रहे हैं। बाज लोगों ने ठीक है दी हैं उसको गालियाँ, बाज लोगों ने दी हैं, लेकिन ज़्यादातर अहले इलम ऐसे थे कि जिन्होंने उसको गाली नहीं दी थी, वो इल्मी तौर पर ही उससे गुफ्तगु कर रहे थे, लेकिन उसने उनको भी जो है वो गालियाँ, बाहर है कि उनको तो वो नाहक गालियाँ दे रहा है। तो बहरहाल ये एक पैगंबर का अखलाक तो यही होता है ना कि अगर उसको कोई गाली भी दे तो वो आगे से गाली नहीं देता, बल्कि अच्छा अखलाक ही पेश करता है। अगर इसने बदले में भी गाली दी है किसी को तो नबी का फिर वतीरा नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये मियारे नबूवत के ऊपर पूरा नहीं करता। हमारे नबी को लोग गालियाँ भी देते थे, बुरा भी कहते थे, लेकिन आपने कभी भी पलट कर जो है गाली का जवाब गाली से नहीं दिया। मिर्ज़ा कादियानी ने तजाद बयानी से भी काम लिया है। गैरुल्लाह की तरफ से होने की एक अलामत कुरान मजीद ने यह भी बयान किए हैं, वलौ कान मिन इंदे गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। कि अगर ये कुरान गैरुल्लाह की तरफ से होता तो इसके अंदर बहुत ज्यादा इख्तलाफ इनको मिलता। तो ये तजाद बयानी अगर हो तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ खुदा की तरफ से नहीं। तो अगर किसी मुद्दई नबूवत की बातों के अंदर तजाद हो तो वो खुदा की तरफ से नहीं होता है। अहकामात के अंदर नासख व मनसूख का मसला तो होता है, लेकिन जो अखबार हैं खबरें, वो ज़ाहिर है कि खबर जो है वो या सच्ची होती है या झूठी होती है, उसके अंदर तो नासख मनसूख वाली बात हो ही नहीं सकती। तो मिर्ज़ा कादियानी ने कई तरह के ऐसे
بلنڈر جو ہیں وہ بیان کیے ہیں جن کے اندر واضح تضاد ہے، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، باقی اس موضوع پر لکھی کتابوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے حوالے سے کبھی کہتا ہے کہ وہ گلیل کے اندر ہے، اور کبھی کہتا ہے جی وہ سری نگر کے اندر ہے۔ پہلے اس کو صحیح کہہ رہا تھا، پھر اس کو صحیح کہہ رہا، اب یہ دونوں خبریں ہیں۔ اب اگر پہلی خبر سچی ہے تو دوسری جھوٹھی ہے، اگر دوسری سچی ہے تو پہلی جھوٹھی ہے۔ کسی نبی کی بھی بات جو ہے ایک بھی جھوٹھی ثابت ہو جائے تو اس کی ساری باتیں جو ہیں وہ بے اعتباری ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس کبھی کہتا ہے جی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے وطن گلیل میں جا کر جو ہے فوت و ازالہ وحام کے اندر اس نے یہ بات کی، روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 353 ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اتمام الحجہ کے اندر وہ کہتا ہے بلاد شام کے اندر ان کی قبر جو ہے موجود ہے، اور کشتی نوح کے اندر جا کر جو ہے وہ کہتا ہے، جو کہ 19 جلد روحانی خزائن کے صفحہ نمبر 76 پر کہتا ہے کہ جناب مسیح جو ہے وہ سری نگر میں اللہ خان یار میں فوت ہوئے اور وہاں پر ان کی قبر ہے، یعنی کشمیر کے اندر فوت ہوئے۔ تو یہ تضاد بیانی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر کسی کا واسطہ پڑا ہے آپ میں سے قادیانیوں کے ساتھ تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ سب سے پہلے گفتگو کرتے ہوئے عام بندے سے وہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت ہے، وہ کہتے ہیں جو اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کا امام مہدی ہونے کا دعویٰ۔ لیکن امام مہدی ہونے کا دعویٰ اس کا موجود تو ہے، لیکن سو کا تو اس کا انکار بھی کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ اس کے اندر تضاد پایا جاتا ہے۔ تحفہ گولڑویہ کے اندر جو ہے اس نے یہ بات لکھی ہے، 17 جلد روحانی خزائن کے صفحہ نمبر 264، کہتے ہیں یہ وہ ثبوت ہے جو میرے مسیح موعود اور مہدی ہونے پر کھلے کھلے دلالت کرتے ہیں۔ ثبوت پیش کر کے کہتا ہے جی میرے مہدی ہونے کی بھی یہ دلیل ہے، لیکن خود ہی کہتا ہے کہ میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں وہ مہدی ہوں جو مصداق من ولد فاطمہ و من اطرتی وغیرہ ہے، حضرت فاطمہ کی اولاد سے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے مہدی ہوگا، کہتا ہے جی میرا وہ دعویٰ نہیں ہے، میں وہ مہدی نہیں۔ اور آپ کو تو پتہ ہے کہ تمام مسلمان تو ایسے مہدی کے منتظر ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے آنے والا ہے، آپ کی نسل سے آنے والا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے آنے والا ہے، تو مسلمان تو ایسے مہدی کے منتظر ہیں۔ تو مرزا قادیانی نے یہ صاف کہا کہ میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں وہ مہدی ہوں، وہ کبھی کہتا ہے میں مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں وہ مہدی نہیں ہوں۔ یہ ضمیمہ براہین احمدیہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر 356۔ ایک اور تضاد جو ہے وہ خود کہتا ہے جی ملہم کو دوسری زبان کے اندر الہام ہونا ایک غیر معقول اور بےہودہ امر ہے، چشمہ معرفت روحانی خزائن 23 نمبر جلد صفحہ نمبر 218۔ تو اگر کوئی بندہ جو ہے وہ پنجابیوں کی طرف نبی بن کر آیا ہے تو اس کو پنجابی زبان کے اندر ہی الہام ہوگا، اور وہ پنجابی زبان کے اندر ہی لوگوں کو جو ہے وہ بتائے گا، کیونکہ اس کے اولین مخاطب وہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عربی تھے تو ان کو عربی کے اندر ہی الہام ہوتا تھا، آپ عربی ہی لوگوں کے سامنے رکھتے تھے۔ مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ ملہم کی زبان کچھ اور ہو، اس کو الہام کسی دوسری زبان میں ہو، کہتا ہے یہ بالکل بےہودہ امر ہے۔ لیکن خود بعض کیا کہتا ہے، خود کہتا ہے نزول المسیح کتاب کے اندر روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 435، کہتا ہے مجھے بعض الہامات ایسی زبانوں میں ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ واقفیت نہیں، جیسے انگریزی یا سنسکرت یا عبرانی وغیرہ۔ اب یہ خود جو ہے وہ بےہودہ امر کا مرتکب ہو رہا ہے، ایک طرف اس کو بےہودہ امر کہہ رہا ہے اور دوسری طرف خود کو اس کا اہل قرار دے رہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں تو صحیح باتیں ہو نہیں سکتی، یہ تضاد ہے۔ اگر یہ اپنے دعوے کے اندر سچا ہے تو پھر اس کی پہلی بات غلط ہے کہ بےہودہ امر والی بات غلط ہے، اور اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر یہ مرزا قادیانی اپنے دعوے نبوت کے اندر جو ہے یہ جھوٹا ہے۔ تو دونوں باتیں جو ہیں وہ تضاد ہیں، اس کا حل جو ہے وہ نکالیں قادیانی لوگ جو ہیں اس کو ماننے والے۔ تو تفصیل جو ہے آپ اس موضوع پر لکھی کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ مرزا قادیانی کو بیماریاں بھی بہت زیادہ لگی ہوئی تھیں،
कैसी कैसी बीमारियों के अंदर मुबतला था। हालांकि वो कहता था कि मुझे अल्लाह ने ये इल्हाम किया है कि जलील बीमारियों से जो है तुझे महफूज रखूंगा, लेकिन ये इल्हाम भी पूरा नहीं हुआ उसका। कहता मैं एक दायमुल मरज आदमी हूँ। जमीमा अरबईन रूहानी खजान की जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 174 पर भी है, और इस तरह 470 पर भी। कसरत बौल और दौराने सर की बीमारी थी उसको, हकीकतुल वही के अंदर ये बात है। इसी तरह बाज़ औक़ात उसको दिन और रात में 100-100 मरतबा पेशाब आता था। कमी ख्वाब और तशन्नुज दिल की बीमारी भी थी। ये भी 17 नंबर जिल्द के अंदर मौजूद है। स्टेरिया और मराक यानी माली खौलिया और पागलपन का मरज भी था उसको। ये मलफूजात के अंदर है, उसने ये बात का इकरार किया है। 565 जिल्द नंबर 1 और इस तरह सफ़ा 33 और जिल्द नंबर 5। सीरतुल महदी सफ़ा 55 हिस्सा 2। इसका बचपन में दायां हाथ जो वो टूट गया था, ये पहले लेक्चर में ये बात आपके सामने रखी थी। बहरहाल ये दायमुल मरज आदमी था और कई बीमारियां इसको लाहक हो चुकी थी। हस्टेरिया और मराक, माली खौलिया और पागलपन जिसको कहते हैं, वो भी इसको था। और ऐसा मरीज जो है वो खुद को समझता है कि मैं नबी हूँ, मुझे इल्हाम होता है। इस तरह की बातें जो हैं, अगर वो मराक और हस्टेरिया के मरीज के हवाले से आप तफसील पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो बहरहाल इन बीमारियों का भी इकरार करते हैं कि मुझे ये बीमारी भी मौजूद है। इसी तरह जो है ये अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा है, जैसे ये पिछली दफा जो है ये बात हो गई थी। मिर्जा कादियानी की पेशीन गोइयों के ऊपर, उसकी पेशीन गोइयां हैं चंद जो मशहूर हुई हैं बहुत ज्यादा उस जमाने के अंदर। जो भी उसकी पेशीन गोई मशहूर हुई है ना उस जमाने के अंदर, कोई भी पूरी नहीं, कोई भी पूरी नहीं। उसकी तवील ही उसको करनी पड़ी। मिसाल के तौर पर उसने 20 फरवरी 1886 को उसने ये इश्तिहार दिया कि मुझे अल्लाह ताला ने यह बशारत दिया कि बाज़ बाबरकत औरतें जो हैं इस इश्तिहार के बाद तेरे निकाह में आएंगी और उनसे औलाद पैदा होगी। पहली उसकी शादी जो है वो 1856 के इर्द गिर्द जो है 16-17 साल की उम्र थी इसकी। इसी तरह जो है दूसरी शादी इसकी जो है वो 1884 में हुई। अब 1886 के अंदर इसने जो इश्तिहार दिया उसके अंदर उसने ये पेशीनगोई की कि अल्लाह ताला ने कहा कि तेरी जो है ना इस इश्तिहार के बाद जो है बाज़ बाबरकत औरतों से शादी होगी। यानी जाहिर है कि एक से ज्यादा शादियाँ इसके बाद होंगी, दो शादियाँ तो उसकी पहले हो चुकी। तो सारी जिंदगी जो है वो मोहम्मदी बेगम के पीछे जो है वो पड़ा रहा कि इसके साथ मेरी शादी होगी, शादी होगी। जब तक उसकी आगे शादी नहीं हुई तो उस वक्त तक कहता था ये मेरे निकाह में आ जाएगी, जब उसकी आगे शादी हुई कहता है अब ये बेवा होकर मेरे निकाह में आ जाएगी। तो फिर भी जो है उसके साथ शादी नहीं हो सकी और ना ही किसी और खातून के साथ उसकी शादी हो सकी। तो ये पेशीनगोई भी उसकी बड़ी मारूफ हुई क्योंकि इसके साथ उसने मोहम्मदी बेगम के हवाले से बातें जो हैं वो की थी। और मोहम्मदी बेगम वाली पेशीनगोई जो है वो तो जुबान ज़दे आम थी उस ज़माने के अंदर। और जो लोग इलम भी नहीं रखते वो भी मिर्ज़ा कादियानी की ये पहचान बन गई थी। मिसाल के तौर पर एक बुजुर्ग के सामने मैंने तذکرہ किया जिनका कोई ना मुताला था ना कभी उन्होंने इस हवाले से कोई किताब पढ़ी। तो मैं किताब पढ़ रहा था मिर्ज़ा कादियानी की, तो बात हुई कि आप पढ़ रहे हैं मिर्ज़ा कादियानी की, तो अच्छा वो मिर्ज़ा वो मोहम्मदी बेगम वाला। यानी ये इतनी जुबान ज़दे आम थी ये पेशीनगोई कि ना खानदा लोगों को भी इसका पता था। तो आखिर वक्त तक जो है ये जोर लगाता रहा कि किसी ना किसी तरीके से जो है इसके साथ मेरी शादी हो जाए। दोबारा तो शादी नहीं हुई। तो मैंने जैसा कि कहा कि जितनी भी उसकी मशहूर पेशीनगोइयाँ ना उसमें से एक भी पूरी नहीं। अब वो
जो गैर मरूफ बातें हैं वो बताते रहे कादियानी के, हाँ जी ये पूरी होगी। भाई कौन सी पूरी होगी, अपने घर के अंदर ही एक बनाई है उन्होंने और घर के अंदर ही बनाकर जो है कहा वो पूरी होगी। उसकी कौन सी पेशीन गई पूरी हुई, आप अंदाजा करें। उसने एक जमाने में ये कहा जी मुझे इल्हाम हुआ है, शाता ने तुजबा खाने, दो बकरियां जो है ना वो जिबा की जाएंगी। अब क्या मतलब है इसका, कहता कोई पता नहीं। अच्छा कुछ अरसे के बाद जो है ना इसके दो हवारी जो है वो अफगानिस्तान के अंदर कत्ल हुए, वो मिर्जाइत की तबलीग करते हुए पकड़े गए, तो वहां की हुकूमत ने उनको कत्ल कर दिया, रजम कर दिया। कहता है जी ये शातान है तुजबा हान से मुराद ये मेरे दो हवारी, पेशीन गोई तो होती है पहले बताई जाए। कभी कहता है जी इससे मुराद जब ममदी बेगम की जो है वो दादी है वो मर गई है, वो इस तरह की बातें जो है वो कर रही। तो जो बात उसने पहले पेशीनगोई के तौर पर नहीं की, वो वाकया अगर मुस्तकबिल के अंदर हो गया तो वो खींच तान कर उसको फिट करने की कोशिश करता था ऐसे। लेकिन जो बात उसने बतौर पेशीनगोई की मुतय्यन करके कि फलां काम फलां तारीख तक या फलां महीने तक हो जाएगा, कोई भी नहीं पूरी है। मोमदी बेगम वाली, ये बाबरकत शादियों वाली मोहम्मदी बेगम वाली, इसी तरह जो है अब्दुल्ला आथम वाली, उसने कहा था कि 15 महीने के अंदर अंदर 15 दिन जो है उसके साथ मुनाजरा हुआ, अब्दुल्ला आथम पादरी था, तो 15 दिन मुनाजरा करता रहा मिर्जा कादियानी। 15 दिन के बाद जो है उसने कहा जी मुझे रात को जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से ये इल्हाम हो गया है कि जो एक आजिज बंदे को खुदा बना रहा है ना, तो हर दिन के बदले में 1 महीना यानी 15 महीनों के अंदर अंदर जो है ना वो बजरिया मौत हाविया में गिराया जाएगा, वो जहन्नम के अंदर चला जाएगा। अब सारा हिंदुस्तान जो है ना इस पेशीन गोई को, इस पेशीन गोई का इंतजार करता रहा कि अब्दुल्ला आथम मरता है कि नहीं मरता। हत्ता कि अगर आप सीरतुल मादी देखेंगे इस हवाले से, तो वहां पर मौजूद है कि आखिरी दिन तक मिर्जा कादियानी जो है वो विरद वजीफे करता रहा है कि किसी तरीके से अब्दुल्ला आथम जो है वो मर जाए, लेकिन अब्दुल्ला आथम जो है वो ना मरा, पादरी अब्दुल्ला आथम। ईसाइयों ने बहुत जो है वो शोर डाला, जाहिर है कि वो तो मुसलमान ही इसको काउंट करते थे, तो ईसाई जो है वो कहते थे हमने इस्लाम का जो है ना वो बिस्तर बोरिया जो है वो लपेट दिया है, हमने मुसलमानों को शिकस्त दी, हमने इस्लाम को शिकस्त दी है, वो ये कहते थे। हालांकि मुसलमान जो है वो तो मुर्दइयों को मुसलमान नहीं शुमार करते थे। तो बहरहाल ईसाई जो है वो इस तरह करके जो है ना वो अब्दुल्ला आथम को जहां जाता उसको कंधों पर उठाते, ये सूरत हाल हो गई थी ये अब्दुल्ला आथम, तो बहुत ज्यादा जो है उसकी मशहूरी हो गई। अब एक जगह पर जो अब्दुल्ला आथम गया और ईसाइयों ने जो है उसको कंधे पर उठाया और ढोल ढमका जो है वो कर रहे थे, और रेलवे स्टेशन पर उतरा तो वहां से उन्होंने उठाया उसको कंधे के ऊपर और ढोल बजा रहे थे। वहां पर जो है मिर्जा कादियानी का कोई हवारी भी उस स्टेशन पर उतरा, तो उसने अब्दुल्ला आथम को देखा। मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये तवीलें कैसी करते हैं, आप अंदाजा करें। तो ये तवील जब मैंने एक कादियानी को बताई ना कि आपके यहाँ तो ये तवील करते हैं अब्दुल्ला आथम के ना मरने की, तो बड़ा हंसा वो कादियानी जो है ना, यानी वो इतने कह सकते हैं आपके बेशरम लोग हैं कि वो समझ भी जाते हैं कि यार बात तो बिल्कुल जो है ना हमारी फजूल है, लेकिन फिर भी जो है ना मिर्जा कादियानी को छोड़ नहीं रहे हो। अब आप अंदाजा करें कि बात किसी किस कैसी की उस बंदे ने ना जो मिर्जा कादियानी का हवारी था। तो अब्दुल्ला आथम को ईसाइयों ने कंधे पर उठाया हुआ है और वो आगे आगे नाच रहे हैं जैसे वो ढोल जो है बुझा रहे हैं, हार डाले हुए हैं उसको। तो वो कहता है कि मैंने ये सोचा कि हजरत साहब ने तो ये फरमाया था कि अब्दुल्ला आथम जो है 15 महीनों के अंदर मर जाएगा, तो ये तो मरा नहीं है और ये ईसाइयों ने जो है इसको कंधे पर उठाया हुआ है और ये ढोल बजा रहे हैं। तो कहता है कि मैंने सोचा अच्छा ओहो, ओ ये इसकी लाश को ही उठाया हुआ है, इन्होंने मर गया है ये इसकी लाश को ही उठाया हुआ है, लेकिन ये उसने तवील की है। तो ये सूरत हाल है मर्जई। अच्छा अब
अब्दुल्ला आथम जो उन 15 महीनों के अंदर तो ना मरा, लेकिन कुछ महीनों के बाद जाकर जो है ना वो मर गया। वो जाहिर बूढ़ा आदमी था, तो बूढ़ा आदमी था और कुछ महीनों के बाद वो मर गया। अब मिर्जा कादियानी कहता है देखा ना मैंने कहा था मर जाएगा, मर गया है। अब मिर्जा कादियानी ने ये बात बना ली। अभी ये तो फिर सारी दुनिया के हवाले से पेशीन कोई कोई बंदा भी कर सकता है। अब वो कोई मतलब वो सफाई करने वाला चूड़ा जो है वो कह दे कि भाई जी कुछ अरसे तक जो है ना ये सारी दुनिया मर जाएगी, तो अब जाहिर है कि कुछ अरसे तक जो है वो सारी दुनिया ने मरना ही मरना है। अब वो कहना शुरू हो जाए देखा ना मैंने कहा था मैंने पेशीन गोई की थी, कितनी बड़ी पेशीन गोई की, ये तो कोई तुक ना हुआ। तो बहरहाल अब्दुल्ला आथम वाली पेशीन गोई भी उस वक़्त बड़ी मारूफ हुई, लेकिन ये भी पूरी नहीं हो सकी। इसी तरह जो है मिर्जा कादियानी ने ये भी पेशीन गोई की, अपने बेटे की पेशीन गोई की। कहता है कि जी मेरे घर में जो है ना एक बेटा पैदा होगा और वो बड़ा नामवर होगा और बड़े बड़ा जो है वो कामयाब इंसान होगा और वो बहुत बड़े बड़े काम करेगा। फअन्नल्लाह नज़ल मिन अस्समा, कहता है वो ऐसा बेटा होगा गोया कि खुदा खुद ज़मीन पर आ गया है। ये पेशीन गोई भी जो है ना पिसरे मऊद के उनवान से जो है ना ये पेशीन गोई थी इसकी, ये भी बड़ी मशहूर हुई। तो कहता है जी इस अमल के अंदर जो है ना ये मेरी बेगम को अमल हो गया तो ये बच्चा पैदा होगा, तो वो बेटी पैदा होगी। खूब तवा लगा, कहता है मैंने कब कहा था कि वो बच्चा जो है इसी हमल से पैदा होगा, तो बस वो दो हमल से तजावज नहीं करेगा, मैंने ये कहा था दो हमल से तजावज, वो अगले हमल में हो जाएगा। ले जी अगले हमल में हो बेटा पैदा हो गया, बड़ा खुश हुआ जी, वो इतना खुश हुआ कि उसकी उसने ना 7-8 साल की उम्र में चंद बल्कि 4-5 साल की उम्र में उसकी शादी भी कर दी उसने ना, छोटा सा बच्चा था भी वो शादी भी कर दी। अब वो इतना इसको खुशी हुई कि मेरी पेशीन गोई पूरी हो गई है, तो लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो बच्चा जो है ना वो 7-8 साल की उम्र में मर गया, वो बच्चा मर ही गया बेचारा। वो इतनी इसने जो है ना वो कह सकते हैं कि नैश लगाई उस बच्चे को, वो बच्चा ही मर गया। बड़ा फिर इसका तवा लगा कादिया मिर्जा कादियानी का, तो खैर कहता है जी वो बच्चा पैदा होगा, ज़रूर पैदा हो। लो जी उसके बाद इसके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ ही नहीं। ये पेशीन को भी बड़ी मार हुई थी, तो ये भी इसकी पूरी ना हुई। इसी तरह जो है इसने ये भी कहा था, मेरी उम्र अपनी उम्र के हवाले से ये गुफ्तगू हो चुकी है, 74 और 86 के दरमियान कहता है जी मेरी उम्र होगी, तो जैसा कि ये तफसीली बात गुजर चुकी है कि नहीं ये तकरीबन 78 साल शमसी एतबार से और 70 साल कमरी एतबार से इसकी उम्र हुई है, तो ये भी झूठी साबित हुई इसकी पेशीन गोई। मिर्जा कादियानी ने एक और पेशीन गोई भी जो है वो बहुत जोर शोर के साथ की थी पंडित लेखराम के हवाले से। ये कादियानी बड़ी पेश करते हैं जी, मिर्जा साहब ने यह कहा था कि 6 साल के अंदर अंदर ये मर जाएगा और ईद के दूसरे दिन मरेगा। देखो जी ईद के दूसरे दिन ही ये मरा था, क्या बात है जी, बड़ी जी पेशीन गोई पूरी हुई जी। बल्कि मिर्जा कादियानी ने बकायदा जो है इस पंडित लेखराम की तस्वीर का नक्शा भी खींचा अपनी किताब के अंदर। तो लेकिन अगर आप ये पंडित लेखराम की जो पेशीन गोई है इसको आप अगर देखेंगे तो मिर्जा कादियानी ने कुछ और कहा था, हुआ कुछ और था। मिर्जा कादियानी ने कतन ये नहीं कहा था पेशीन गोई यानी उसके कत्ल होने से पहले कि ये ईद के दूसरे दिन कत्ल होगा, बल्कि मिर्जा कादियानी ने यह कहा था कि इसको एक ऐसा अजाब मिलेगा 6 साल के अंदर अंदर जो बेमिसल है, यानी उसकी नजीर नहीं पाई जाती, ऐसी सजा मिलेगी इसको।
अब बंदे का कत्ल होना ये तो बेनजीर है ही नहीं, दुनिया के अंदर बेशुमार पहले, बल्कि वो आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का जो तज़किरा कुरान मजीद के अंदर मिलता है, उनमें से भी तो एक कत्ल हो गया था, हाबील जो है वो कत्ल हो गया था। कत्ल तो शुरू से चला आ रहा है, ये तो बेनजीर चीज़ें आई नहीं थी, बेमिसल चीज़ें आई नहीं थी, वो तो कत्ल हुआ है। वो कहता है ऐसी इसको जो है वो सजा मिलेगी 6 साल के अंदर अंदर, जो बेमिसल है, बेनजीर है, उस जैसी कोई चीज़ ही नहीं हो। तो कत्ल होना तो कोई बेमिसल चीज़ ही नहीं है। तो इस एतबार से भी वो मतलब, यानी अगर आप उसके असल अल्फाज जो उसने पेशीन गोई के कहे थे वो एक तरफ रख लें, और पंडित लेखराम के साथ जो मामला हुआ है वो एक तरफ रख लें, तो आप खुद इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये बिल्कुल झूठ बकरा है, कोई पेशीन गोई इसकी पूरी नहीं हुई। लेकिन वो कादियानी लोग जो उसको पेश इस अंदाज से करते हैं कि वो बेचारे आम लोग, चूंकि उनका मुताला नहीं होता, वो समझते हैं कि शायद वाकई जो है वो इसी तरह मिर्जा कादियानी ने पेशीन गोई की, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, तो वो भी पूरी नहीं हुई उसकी। इसके अलावा शेखुल इस्लाम सनाउल्ला अमरसरी रहमहुल्लाह के हवाले से इसने पेशीन गोई की थी, एक दुआ की थी अल्लाह ताला से कि या अल्लाह हम में से जो झूठा है ना वो सच्चे की जिंदगी में मर जाए, और मरे भी हैजे या ताऊन वगैरह किसी बीमारी से मरे, वो कत्ल ना हो किसी हैजे की या ताऊन की बीमारी से, जो ना इस तरह के मसले से वो मरे। अब ये बात भी जो है ना बड़ी मशहूर हुई, ये मिर्जा कादियानी ने अपने मरने से 1 साल पहले ये पेशींगोई की थी, यानी 1907 के अंदर की। तो अगले साल ही मिर्जा कादियानी 1908 के अंदर जो हैजे की वजह से मर गया। ये मीर नासर नवाब जो मिर्जा कादियानी का सुसर था, उसके हालात जिंदगी पर किताब शाया की कादियानियों ने हयात नासर के नाम से, तो उसके अंदर वो चूंकि वहां पर मौजूद था जब मिर्जा कादियानी मरा था, तो वो सुसर के पास था, सुसर उसके पास था, तो आखिरी जो उसने साफ बात की है ना वो अपने सुसर के साथ ही की है, वहां पर वो मौजूद है बात ना हयात नासर के अंदर, कि उसने मुझे बुलाया, रात को उठाया, कहता है जी मिर्जा साहब ने मुझे उठाया और मेरे साथ जो उन्होंने जो गुफ्तगू की वो ये थी, मीर साहब बबाई हैजा लौट आया है, यानी हैजा जो है मुझे हो गया है, और अगले दिन जो है वो मर गया। ये उसकी सूरत हाल, यानी ये भी बड़ी मरूफ हुई उसकी पेशीन गोई, और ये भी जो है उसकी पेशीन गोई उसी के खिलाफ जो है वो निकली, क्योंकि उसने खुद जो है वो बददुआ की थी कि जो हम में से झूठा है वो सच्चे की जिंदगी में जो है वो मर जाए, और मरे भी हैजे या तऊन की बीमारी से, और ये मरा भी हैजे की बीमारी से। ये वाजे तौर पर उसके ससुर ने जो वहां पर मौजूद था उसने उसके हालात जिंदगी में उसका ये कौल लिखा हुआ मौजूद है। ये और इस तरह की कोई भी जो बड़ी पेशीन को आप लेंगे ना, तो जो मशहूर हुई थी, ये जुमला आपने साथ में जरूर बोलना, जो उस जमाने के अंदर मशहूर हुई थी कि लोग इंतजार कर रहे थे कि ये पेशीन कोई पूरी होती है कि नहीं होती, वो अंदर खाते में जो कर ले तो कर ले, वो अब हमें लोग उस जमाने में लोगों को उलमा को क्या पता चलेगा कि इसने अपने हमसायों के बारे में कोई बात की थी कि नहीं की थी, इसने कोई ईंट लगाने की बात की थी कि नहीं की थी। जाहिर है कि पेशीन गोई तो वो है जो लोगों के अंदर मशहूर हो गई, हाँ भाई इंतजार कर रहे हैं, जैसे नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जब ये आयात उतरी थी सूरत रूम की, सूरह रूम की अलिफ लामिम गुलिबतुर्रूम, रूमी जो है वो मगलूब हो गए हैं, और वो अपने मगलूब होने के बाद अनकरीब गालिब आने की फिर बिजी सी चंद सालों में, और बकायदा जो है ये मशहूर हो गए 3 से 9 साल तक जो है बकायदा जो है वो मुद्दत भी का तयन भी हो गया, तो वाकई जो है वो रूमी 9 साल के अंदर अंदर जो है वो गालिब आ गए। ये पूरी उस वक्त पूरे मुआशरे के अंदर ये पेशीन गोई जो है मशहूर हो गई। तो मिर्जा कादियानी ने जो भी पेशीन गोई अपने जमाने में मशहूर की कोई भी पूरी नहीं हुई। तफसील अगर आप जानना चाहते हैं इस हवाले से, शेखुल इस्लाम सनाउल्ला अमरसरी रहमहुल्लाह की किताब इलहामाते मिर्जा बड़ी शानदार किताब है, उसके अंदर आपको ये सारी पेशीन गोइयाँ जो हैं वो तफसील के साथ मिल जाएंगे। और जो जो कादियानी जो हैं वो आगे से तवीलें करते हैं, नहीं चूंकि वो हो गया है
वो सारी तवीलों के जवाबात भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इल्हामात मिर्ज़ा ये किताब का नाम है और शेखुल इस्लाम सनाउल्ला अमरसरी रहमहुल्ला की ये किताब है, बड़ी मुफीद है। इस मिर्ज़ा कादियानी के बाद जो हैं उसके उसके निज़ाम को चलाने वाले जो हैं वो हकीम नूरुद्दीन था बेरवी। ये मिर्ज़ा कादियानी का पहला खलीफा जो है ये बना, और ये मिर्ज़ा कादियानी का सबसे बड़ा जो है वो हवारी समझा जाता था। ये 1914 के अंदर जो है ये मर गया। फिर उसके बाद ये कादियानी जमात जो है ये दो हिस्सों में बट गई, लाहौरी ग्रुप अलग हो गया और कादियानी रबुआ कादियानी ग्रुप जो है वो अलग हो गया। तो ये मिर्ज़ा कादियानी का जो बेटा था बशीरुद्दीन महमूद, दूसरी बीवी का बड़ा बेटा, उसने खिलाफत का निज़ाम जो है वो राइज करना चाहा, और जो लाहौरी ग्रुप वाले थे मोहम्मद अली लाहौरी वगैरह और ख्वाजा कमालुद्दीन हसन अमरोही, ये जो लोग थे इन्होंने, हसन अमरोही पहले उधर था फिर इधर आया था, ठीक है, वो पहले कादियानी ग्रुप में था बाद में फिर इनके साथ थे। तो इन लोगों ने जो है वो अंजमन का निज़ाम, अंजमन के तहत जो है वो निज़ाम चलाने की बात की। तो बहरहाल ये आपस में इस बात पर झगड़े और ये अलग अलग हो गए। लाहौरी ग्रुप ने लाहौर के अंदर जो है अपना हेडक्वार्टर कायम कर, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के पास है, दारुसलाम के नाम से उनके इलाके का नाम दारुसलाम है, वहाँ पर बाकायदा जो है उनकी लाइब्रेरी है, उनकी बहुत बड़ी एक इबादत खा है, और इस तरह वहाँ पर रिहायशें हैं और एक ग्राउंड है, यानी वो कह लें कि पूरी एक सोसाइटी उन्होंने वहाँ पर बनाई हुई है, लेकिन वो चारों तरफ से बंद है, गेट की तरफ से जो है वो अब जाने की इजाज़त नहीं देते। एक दो दफ़ा मैं गया हूँ वहाँ पर, वो देख कर आया हूँ, लेकिन अब वो बहरहाल नहीं जाने देते। तो हकीम नूरुद्दीन के बाद जो है मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद जो है मिर्ज़ा कादियानी का दूसरी बीवी से जो बड़ा बेटा था वो खलीफा बना, और उसने जो है कादियानियत को बहुत परवान चढ़ाया, और उसने जो है वो तासुब जो है कादियानियों के अंदर कूट कूट कर जो है वो भर दिया। उसने बहुत ज़्यादा शर्तें जो हैं कादियानियों के अंदर जो है कह सकते हैं कि कादियानियत को उसने जो है एक नई रूह जो है वो फूंकी, क्योंकि वो सियासत के अंदर जो है उनको ले आया। फिर उसके बाद मिर्ज़ा महमूद का बेटा जो है मिर्ज़ा ताहिर, मिर्ज़ा नासिर, वो खलीफा बना, और उसकी उसी के ज़माने के अंदर जो है 1974 में पाकिस्तान के अंदर इनको गैर मुस्लिम के लिए जो है वो करार दिया गया, उसी के साथ असम्बली के अंदर जो है वो बहस मुबासा हुआ। फिर उसके मरने के बाद मिर्ज़ा ताहिर जो कि मिर्ज़ा महमूद का छोटा बेटा था, मिर्ज़ा नासिर का छोटा भाई, वो खलीफा बनता, ये चौथा खलीफा था। उसके मरने के बाद जो है मिर्ज़ा मसरूर अब जो पांचवा खलीफा है इनका, ये है, ये मिर्ज़ा कादियानी का जो तीसरा बेटा था दूसरी बीवी से मिर्ज़ा शरीफ, उसका ये पोता है मिर्ज़ा मसरूर जो है, यानी ये रॉयल फैमिली के अंदर ही इनकी खिलाफत जो है ना वो चल रही। तो ये इनका सिलसिला है। ये मिर्ज़ा कादियानी के ज़माने के अंदर भी खुलकर तबलीग करते थे, उसके बाद भी यानी 1974 तक जो है ना ये खुलकर तबलीग करते रहे कादियानी का, हिंदुस्तान के अंदर तो करते ही थे, पाकिस्तान बनने के बाद ये रबवे में शिफ्ट हो गए तो खुलकर तबलीग करते थे, लेकिन 1974 के बाद जो है ना ज़रा इनको थोड़ी सी लगाम जो है वो पड़ी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो बड़े अकड़े हुए थे कि हम अपने आप को गैर मुस्लिम नहीं कहेंगे, अपने वही इबादत खाने को मस्जिद ही कहते थे, अजान के मामला वो कलमे के मामला उसी तरह थे इनके। तो 1984 के अंदर जो है जब ये ज़ियाउल हक का दौर था, उन्होंने सदारती आर्डिनेंस के तहत जो है इनको इस्लामी शेर इस्तेमाल करने के ऊपर जो है इनके ऊपर पाबंदी लगा दी। फिर वहाँ से जो है ये अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि वो अगर कोई इस्लामी शेर इस्तेमाल करता वो पकड़ा जाए कादियानी तो उसको 3 साल कैद थी, और उस ज़माने में 25,000 रुपया जुर्माना था। तो फिर ये अंडरग्राउंड हो गए, फिर इनफरादी दावत के ऊपर जो है वो आ गए। तो उस वक्त से लेकर आज तक जो है अब ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो इनफरादी दावत ही देते हैं, लेकिन इनफरादी दावत भी उस आदमी को देंगे जो जाहिल है ना खानदा है, जिसको इनके मज़हब के बारे में इलम हो गया है ना उसको ये तो छोड़ देते हैं,
आपको, आप अगर ये कहेंगे ना जी मैं तहकीक करना चाहता हूँ, तो बड़े खुश होंगे, आपको किताबें भी देंगे, आपको चाय पर भी बुलाएंगे, खाने पर भी बुलाएंगे। तो 2-3 महीने के बाद, या जब आप ये कहेंगे ना जी मेरी तहकीक मुकम्मल हो गई है जी, तो बड़े खुश होकर आपसे पूछे जी जी किस नतीजे पर पहुंचे हैं, तो आप जब ये कहेंगे ना जी मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि मिर्ज़ा कादियानी जो है वो झूठा है, तो उसके बाद कभी भी आपसे रब्ता नहीं करेंगे, कभी भी आपसे रब्ता नहीं। यानी जिस आदमी को इनके मजहब का इलम हो जाता है ना, फिर वो इनके पीछे भागता है, ये आगे आगे होते हैं और वो बंदा फिर इनके पीछे पीछे होता है, और जिसको इलम नहीं है ये उसको लपेटने की जो है वो कोशिश करते हैं, उसको कुछ बात उसके जहन के अंदर डालकर उसके जहन को खराब करने की कोशिश करते हैं। ये इनफरादी दावत के अंदर जो है वो ये काम इनके जो है वो आज तक हो रहे हैं। मुईदा जी आपको काफ़ी बातें जो हैं वो मालूम हो गई, हम अपने सबक को यहीं पर मुकम्मल करते हैं। ये जो है आपके सामने जो PDF था, कह सकते हैं कि खुलासतन जो है ये मुकम्मल हुआ, चूंकि 4 क्लासें हो गई, आइंदा मेरे ख्याल में 2 क्लासें बाकी है, 6 क्लासों का कहा गया था मुझे, तो इसलिए मैंने बड़ा इख्तसार के साथ आपको पढ़ाया। तो इंशाल्लाह अगली 2 क्लासों के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि उनके उन सवालात को आपके सामने रखा जाए जो वो आम कादियानी जो हैं आम मुसलमानों से करते हैं, और मुसलमान बेचारा जो है वो लाइलम होने की वजह से उनका जवाब नहीं दे पाता। तो इंशाल्लाह आइंदा 2 क्लासों के अंदर वो सवालात जो वो आम मुसलमानों से करते हैं वो पेश करूँगा, और फिर उनके जवाब कैसे हमने देने हैं इंशाल्लाह वो आपके सामने रखे जाए। अगर टाइम है बाकी तो कोई भाई सवाल करना चाहता है तो वो कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वरकात। किसी भाई का सगा सवाल है तो अपना हाथ खड़ा कर सकता है। जज़ाकअल्लाह खैर बारकअल्लाह। वो अगली अगली गुफ्तगू की PDF इंशाल्लाह वो अलग आपको मिल जाए, बल्कि वो मेरा पूरा किताब चाहिए इस हवाले से, वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा वो भी। नहीं है जी सवाल किसी भाई का? पता नहीं शेख, शायद किसी ने हाथ अभी खड़ा नहीं किया है। अगर किसी भाई या बहन का सवाल है तो वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर बारकअल्लाह फीक। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। सवाल ये कि जो ये इंजीनियर मिर्जा है, ये कादियानी है? नहीं, ये मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है ये कादियानी नहीं है, ये पहले बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखता था, फिर देवबंदी मसलक के अंदर आया, फिर अहले हदीस मसलक के अंदर आया, और अब जो है ना ये नीम राफजी है, यानी अहले सुन्नत का लेबल लगाकर शिया अकायद को जो है ना ये प्रमोट कर रहा है, उसको फैलाने की कोशिश कर रहा है, ख़ास तौर पर सहाबा के हवाले से, साहब हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, और फिर उसके बाद हजरत उस्मान हैं, और फिर हजरत बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु तक भी ये पहुंच चुका है। तो ये शिया अकायद को ख़ास तौर पर सहाबा के हवाले से ये मशहूर कर रहा है अहले सुन्नत का लेबल लगाकर। तो अब ना तो ये बरेलवी हजरात के अंदर है, ना अब ये देवबंदियों के अंदर है, ना ये अहले हदीसों के अंदर है, अब ये इन सब से अलग थलग हो चुका है, और ये नीम राफजी हम इसको कह सकते हैं, यानी ये बिल्कुल तो शिया नहीं है, लेकिन शिया जैसी कई बातें जो हैं ये अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़कर वो लोगों के अंदर मशहूर कर रहा है। बहरहाल ये कादियानी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू शेख। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। शेख एक सवाल है कि जैसे हम यानी यहूद नसारा के साथ, यानी अगर हमसे वो यानी दुश्मनी ना करें तो उनसे बातचीत कर सकते हैं, क्या कादियानियों के साथ भी बातचीत की जा सकती है? यानी अगर कोई ऐसा बिल्कुल, बरकत अगर आपको इलम है, अगर आपके पास इलम मौजूद है तो फिर तो उनके साथ गुफ्तगू करनी चाहिए।
जी और किसी भाई का सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर जो इनका लाहौरी ग्रुप है उसके बुनियादी अकायद में और ये मिर्ज़ाई कादियानी के बुनियादी अकायद में क्या जी जी और ये बात थोड़ी सी रह गई है, ये लाहौरी और कादियानी के अकायद के अंदर जो है ना, पहले नंबर पर ये फर्क है कि लाहौरी ग्रुप वाले मिर्ज़ा कादियानी को नबी नहीं मानते, कादियानी ग्रुप मिर्ज़ा को नबी मानता है, ये एक फ़र्क है। वो लाहौरी ग्रुप वाले कहते हैं मिर्ज़ा मसीह मऊद है, मेहदी है, सारा कुछ है पर नबी नहीं है, और कादियानी ग्रुप कहता है वो नबी भी है। दूसरा फ़र्क ये है कि लाहौरी ग्रुप ये कहता है कि अगर कोई मिर्ज़ा कादियानी को नहीं ना मानता तो वो फिर भी मुसलमान ही है, वो काफर नहीं होता, जबकि कादियानी ग्रुप का ये कहना है कि जो बंदा मिर्ज़ा कादियानी को नहीं मानता वो दायरा इस्लाम से खारिज है, वो काफर है। अच्छा, तीसरा फ़र्क ये है इनके अंदर कि लाहौरी ग्रुप वाले ये कहते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी ने ये वसीयत की थी कि मेरे बाद जो जमात का निज़ाम जो है ना वो अंजमन चलाएगी, यानी कुछ अफराद मिलकर जो है वो निज़ाम चलाएंगे, जबकि कादियानी ग्रुप ये कहता है कि मिर्ज़ा साहब के बाद जो है ना वो खिलाफत का निज़ाम जो है ना वो राइज होगा। और चौथा फ़र्क इनके अंदर ये है, ये इख्तलाफ़ ये है कि कादियानी ग्रुप वो ये कहता है कि मिर्ज़ा कादियानी ने जो मुसले मऊद की पेशीनगोई की थी ना, पिसरे मऊद की, उससे मुराद बशीरुद्दीन महमूद है, मियाँ महमूद जो दूसरा खलीफा है, जबकि लाहौरी ग्रुप ये कहता है कि मिर्ज़ा कादियानी ने जो पेशीनगोई की थी पिसरे मऊद की, उससे मुराद ये मियाँ महमूद नहीं है बल्कि ये मुतशाबिहात में से है, वो पूरी चूँकि वो बेटा ही नहीं हुआ उसके यहाँ, जैसा मैंने बताया वो बेटी हो गई, फिर आगे जो बेटा पैदा हुआ वो मर गया, उसके बाद कोई औलाद ही पैदा नहीं हुई, तो लाहौरी ग्रुप वाले कहते हैं वो मुतशाबिहात में से है पेशीन गोई, और कादियानी ग्रुप कहते हैं कि उससे मुराद जो है मिर्ज़ा का बेटा जो है ना बशीरुद्दीन। ये चार इख्तलाफ है इनके बुनियादी, और इसके ऊपर जो है इनका बकायदा जो है चार मौजुओं के ऊपर मुनाजरा भी हुआ था रावलपिंडी में पाकिस्तान बनने से पहले, ये 1930 के बाद की बात है, 1930 और 40 के दरमियान की बात है, और वो मुबासा रावलपिंडी के नाम से वो बकायदा किताब शाया भी हुई थी, तो वो मौजूद है हमारे पास, तो उसके अंदर ये चारों मौजू जो है ना इनके मौजूद हैं, ये बुनियादी इख्तलाफ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। शेख एक मुख्तसर सा सवाल ले लीजिए, एक सवाल आया है कि कादियानी वलीमा करते हैं या नहीं करते? जी जी वो वलीमा करते हैं, उनके सारे आमाल जो है ना वो बज़ाहिर मुसलमानों वाले ही, वो वलीमा भी करते हैं, नकाब भी पढ़ाते हैं, गवाह भी होते हैं उनके, बल्कि छुआरे भी तकसीम करते हैं, सारा कुछ है। देखिए आज वही निर्णय की जरूरत है, उसी का तकमीरा है इंशाल्लाह दुआ के लिए। मेरे ख्याल में शेख आ गए हैं, मैं खत्म करता हूँ। गए कहाँ?